ये ख्वाब की ताबीर का पार्ट नंबर 6 है। अभी तक अगर आपने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पांचों पार्ट का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके वो पार्ट भी देख लीजिए। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम ये ख्वाब की ताबीर कहाँ से लेके आते हैं, यानी कि इसकी दलील हम आपको वीडियो के एंड में जरूर दे देंगे। तो आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो ये है, नंबर 1 ख्वाब में जमीन पे पानी बहता देखना, नंबर 2 ख्वाब में पसीना आना, नंबर 3 ख्वाब में पानी की प्यास लगना, नंबर 4 ख्वाब में किसी बात की जिद करना, नंबर 5 ख्वाब में किसी गैर औरत को देखना, नंबर 6 ख्वाब में अपने माँ बाप को देखना। तो आज हम इन्हीं 6 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, मैं हूँ सलमान मलिक और आप लोग देख रहे हैं GS वर्ल्ड। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। हम रोज की 2 वीडियो, एक सुबह 11 बजे और एक शाम में 5:30 बजे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आप लोगों से हम दिल से गुजारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रोज की 2 इस्लामिक वीडियो देखते रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं ख्वाब की ताबीर की। नंबर 1 ख्वाब में जमीन में पानी बहता देखना। अगर आपने अपने ख्वाब में जमीन में पानी वगैरह बहता हुआ देखा है तो उसकी ताबीर ये है, फालतू के कामों में रुपया बर्बाद होगा। यानी कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे काम होंगे जो बिल्कुल फालतू होंगे, उसमें आपका काफी रुपया वगैरह बर्बाद होगा। नंबर 2 ख्वाब में पसीना आना। अगर आपने अपने आप को ख्वाब में पसीना आते हुए देखा है तो उसकी ताबीर ये है, जिसने भी ये ख्वाब देखा है हलाल माल कमाएगा, अगर बीमार ने देखा है तो शिफा पाएगा इंशाल्लाह तबारक बताला। अगर आपने इस तरीके का ख्वाब देखा है तो उसकी ताबीर ये है। नंबर 3 ख्वाब में पानी की प्यास लगना। अगर आपने अपने आप को ख्वाब में पानी वगैरह की प्यास लगते हुए देखा है तो उसकी ताबीर ये है, दीन के मामले में रुकावट पैदा होगी, दुनिया में माल व पैसा ज्यादा इकट्ठा करेगा, मतलब कि दीनी तालीम आपको कम मिलेगी, आप दुनिया के कामों में ज्यादा मुब्तिला रहेंगे। अगर आपने इस तरीके का कोई ख्वाब देखा है तो उसकी ताबीर ये है। नंबर 4 ख्वाब में किसी बात की जिद करना। अगर आपने अपने आप को ख्वाब में किसी बात की जिद करते हुए देखा है तो उसकी ताबीर ये है, दुनिया में शोहरत हासिल होगी और बहुत नाम कमाएगा, मतलब कि कुछ ऐसा होगा जिससे आप काफी नाम कमाओगे, अगर आपने इस तरीके का ख्वाब देखा है तो उसकी ताबीर ये है। नंबर 5 ख्वाब में किसी गैर औरत को देखना। अगर आपने किसी भी गैर औरत को ख्वाब में देखा है तो उसकी ताबीर ये है, दीन के कामों में खलल बढ़ेगा, सेहत खराब होगी, मतलब दीन के मामले में अगर आप कुछ करने जाओगे तो उसमें खलल बढ़ेगा और आपकी तबीयत खराब होने का भी अंदेशा है, अगर आपने कुछ इस तरीके का ख्वाब देखा है तो उसकी ताबीर ये है। नंबर 6 ख्वाब में अपने माँ बाप को देखना। अगर आपने अपने ख्वाब में माँ बाप को यानी कि वालिद वालिदैन को देखा है तो उसकी ताबीर ये है, कोई रंज व गम दूर होगा, कारोबार में फायदा होने की निशानी है, हर चीज में खैर होगी, मतलब कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो वो दूर होगी, कारोबार में बरकत होगी, हर चीज में आपकी खैर होगी इंशाल्लाह तबारक बताला। तो पार्ट नंबर 6 में सिर्फ यही पॉइंट थे, पार्ट नंबर 7 इंशाल्लाह तबारक बताला 2 या 3 दिन के बाद में हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम बताएंगे कि हम ये ख्वाब की ताबीर आपको कहां से बताते हैं, तो ये ख्वाब की ताबीरात बेफालनामा कुरानी से हम ये आपको बताते हैं, आप वहां से इसको देख सकते हैं, ये वहां से साबित है, ताबीरात बेफालनामा कुरानी, ध्यान रखिए ये सारी ताबीर हमने इसी जगह से आपको बताई है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, काफी लोग परेशान रहते हैं, ख्वाबों से ख्वाब आते हैं, उनको उनके ख्वाब का मतलब नहीं पता चलता है। आप इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए, आपकी एक शेयरिंग से हो सकता है किसी को किसी के ख्वाब का मतलब पता चल जाए। लोग काफी पैसा बर्बाद करते हैं इसी चीज में कि ख्वाब की कोई ताबीर बता दे, तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, अल्लाह तबारक बताला आपको इसका अज्र देगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगला पार्ट लेकर हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह तबारक बताला आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वैसे हम रोज की 2 वीडियो डालते हैं, एक सुबह 11 बजे और एक शाम में 5:30 बजे। तो आप लोगों से गुजारिश है बिल्कुल भी मिस मत कीजिए अगली वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, दुआओं की गुजारिश, मैं हूं सलमान मलिक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह हाफिज़।